धर्म की नगरी काशी में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। तमाम गौशालाओं में गायों का श्रृंगार किया गया, जिन्हें हर कोई देखता रहा। गौशालाओं में सुबह गौ माता के स्नान के बाद उन्हें रंग बिरंगे चुनरी का वस्त्र पहनाया गया। वहीं विधिवत श्रृंगार के बाद उनकी पूजा की गई, फिर आरती के बाद उन्हें चारा खिलाया गया। मान्यता है कि आज के दिन गौ माता के पूजन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ये जो अभी हमारे महाराज जी ने बताया है कि जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान गोचारण किए थे, गायों को चराना प्रारंभ किए थे, तब से गोपाष्टमी मनाया जाता है। और विशेष करके अभी यदि देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और सब भारतीय संस्कृति में गो का बहुत बड़ा महत्व है। और गो के मल मूत्र और दूध घृत और दधी, इसे पंचगव्य बनता है। माता के लिए समर्पित दिन है। आज ही के दिन हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे, और इसीलिए उसी समय से निरंतर गो माता का स्नान पंच द्रव्यों से या विविध द्रव्यों से और श्रृंगार करके